तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ क्या मुझे जो दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है कि टायर एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो इसका हेड है ये इधर वाले डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा लग रहा है? तो मुझे तो लग रहा है भाई, ऐसी गुल्लक दिखाना जो इतना बड़ा बंदा उसमें पैसे जोड़ ले हमेशा समय। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। यार आज का जो व्लॉग है भाई, ये मैं बिल्कुल भी आज बनाना नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत ऐसी है कि एक और आज मेरी लाइफ में कांड हो गया। अब आप लोग टाइटल थंबनेल से समझ गए होंगे, लेकिन मैं पूरी बात आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब याद से करना, बेल बटन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लो। और बहुत ही ज्यादा जल्दी फॉरन वीडियोज की सीरीज आने वाली है, पूरे व्लॉग्स फॉरन के होंगे। कमेंट करके ये बताओ कि कौन सी वो कंट्री हो सकती है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आज हादसा हुआ क्या, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक सिचुएशन में आज मैं फंस गया था। तो भाई आज एक नॉर्मल सा डे था मेरी जिंदगी में, जब मैं सुबह घर से अपने निकला। हुआ ये कि जैसे ही मैं घर से निकला मैं गया बैंक। बैंक जाने के बाद मेरा 10-15 मिनट का काम बैंक में था। मैं बैंक से बाहर निकला और बाहर निकलते ही मैं देखता हूँ मेरी गाड़ी के आसपास 3-4 लोग खड़े हुए हैं। मुझे लगा गाड़ी देखने के लिए खड़े होंगे या कोई भी चीज उसकी, या आपस में बात कर रहे होंगे। मैंने रोड क्रॉस करी, क्रॉस करते ही मैं गाड़ी पे पहुंचा। मेरे पास फोन था नहीं, फोन मेरा कार में छूट रखा था। मैंने उन लोगों से पूछा भाई क्या हो गया। कह रहे भाई जी किसी की ना गाड़ी किसी ने स्क्रैच मार दिया, हम लोग वो देख रहे हैं। अब मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आया कि किसी की गाड़ी पे कोई स्क्रैच मार रहा तो देख कर क्या मिल रहा है, या तो फिर उस बंदे को पकड़ते जिसने स्क्रैच मारा। उनमें से एक बंदे ने बोला हाँ हमारे सामने एक बंदा साइकिल पे जा रहा था, उसने उसको साइड से साइकिल का जो स्टैंड होता है वो घिसटता हुआ उस पर गया और स्क्रैच लग गया। मैंने कहा भाई ये किसी की गाड़ी नहीं, मेरी ही कार है। कम से कम जब तुम लोग देख ही रहते तो उस बंदे को तो रोक लेते, और रोकते नहीं भी तो कम से कम मुझे बताओ तुरंत जैसे ही मैं गाड़ी के पास आ रहा हूँ। ऐसे तो कोई आएगा नहीं गाड़ी के पास। तो जो भी हुआ जैसा भी हुआ ये तो कहानी हुई वहां की जो हुई थी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहले तो स्क्रैच कैसा है, उसके बाद में कोलगेट वगैरह लगा के देखते हैं कि क्या हो सकता है उसमें, नहीं तो फिर चलता हूँ मैं आप लोगों को लेके अपने साथ में जहाँ हम गाड़ी को ठीक करा सकते हैं। भाई ये देखो ये किसी ने स्क्रैच मारा है, मतलब क्यों मारा ये मुझे समझ नहीं आई, क्या दिक्कत है भाई, नई गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी। तो भाई ये देखो मैंने कोलगेट लगा दिया है, मतलब किसी भी स्क्रैच में कोलगेट काफी ज्यादा काम कर जाता है, कोलगेट या फिर रबिंग या फिर पॉलिश। तो भाई फाइनली आ जाऊँ दोबारा से गाड़ी को लेकर वर्कशॉप पे, और ये इन्होंने साफ कर दिया, क्या ठीक हो जाएगा। ये वर्कशॉप पे काम चल रहा है तकड़ा होना चाहिए। ये बात तो सही कह रहे हो आप, चुप तो जाएगा इससे थोड़ा बहुत भैया, थोड़ा बहुत नहीं सारा करके दूंगा। बस यही बात हुई ना सही। सो भाई देख लो काफी हद तक स्क्रैच हट चुका है और ये थोड़ा बहुत रह गया, ये जब सर्विस पे जाएगी तब हट जाएगा। सो गाइस फाइनली आप लोगों ने देखा कार तो हो गई बिल्कुल 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 परफेक्ट। लेकिन अब हुआ है कि मुझे अपने लैपटॉप की भी सर्विस करानी, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा इंटरनेशनल ट्रिप चालू होने वाला है, तो मुझे लैपटॉप की सर्विस बहुत ज्यादा जरूरी है करानी, क्योंकि मेरा मैक्सिमम काम ना लैपटॉप से ही होता है एंड वो भी मैकबुक से। मेरा जो डेल वाला लैपटॉप है उसकी सर्विस मैंने ऑलरेडी करा ली, अब इसकी करानी। तो फटाफट मारा भाई अभी आ रहे हैं एंड उनके साथ चलता हूँ और उसके बाद देखते हैं सर्विस हो पाती है या नहीं। तो उसके साथ ही मेरे पास ना 2-3 और भी काम है, तो मैं सोचा मारा भाई जब अपनी सुपर बाइक या सुपर स्कूटर लेकर आ रहे हैं तो एक ही बार में सारे काम निपटा देता हूं। एमडी सर आ चुके हैं हम लोगों के बीच। एमडी सर हमेशा से तुम सब लोगों के बीच ही था, फिर भी भाई ये मैंने मैकबुक रख दिया बैग के अंदर। एमडी सर इसकी सर्विस का पता कराना सबसे पहले तो। इसकी पे उसकी भी करनी है। ये तो जिस दिन से लिया है इसको तभी से सर्विस की जरूरत थी, पहली ऐसी नई चीज है जिसकी सर्विस पहले नहीं थी। तो चलो फिर तो भाई अभी आप लोगों ने जो चीज़ देखी थी ना कि इसका सीट कवर जो है वो इधर और उधर हो रहा है, सीट कवर की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम की चीज़ है वो ये है कि अगर वो ज़्यादा इधर उधर हो गया तो हम सीधा गाड़ी से नीचे हैं, क्योंकि हमारा तो बेस ही वही है। लोग कहते हैं बेस स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा बेस कमजोर है। आपका तो बेस हमेशा से ऐसी रहा, तो बताना तो पड़ेगा ही कि आपका बेस हमेशा से बहुत कमजोर रहा है। इनफैक्ट इस एक्टिव का तो बेस है ही नहीं एक तरह से। हाँ का सर्विस सेंटर ऐसे खोपचे वाली गली से बोला, बड़े से बोर्ड के बगल में छोटा बोर्ड लगा है एप्पल का। तो फिर बड़ा बोर्ड किस चीज का है? बैंक का। अच्छा, 3 बार एक जगह घूमने के बाद वापस हम वहीं आए, अब देखते हैं अगर मिलता है तो। तो भाई लोकेशन तो फाइनली मिल गई और ये टोकन मिला अभी फिलहाल के लिए 16 नंबर का। ये रोड के अंदर आए हम। एमडी सर मुझे ले चलो। अब आपने कहाँ जाना है पहले? अरे ये ऐसे निकलता रहेगा तो हम तो फिसल के गिर सकते हैं। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ क्या मुझे जो दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है कि टायर एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो इसका हेड है ये इधर वाले डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा लग रहा है? तो मुझे तो लग रहा है भाई। ऐसी गुल्लक दिखाना जो इतना बड़ा बंदा उसमें पैसे जोड़ ले हमेशा से मैं। आए हाय क्या हो गया, मार्वल सीरीज का फैन रहा हूँ। हल्क वाला था वो हरे सुरंग का भैया। आगे 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 ना। हाँ मुझे याद है वो ग्रीन सुरंग का हाथ बना हुआ था उसके ऊपर से डालते हैं। ये तो बहुत सारी हैं। पंजे वाला कह रहे हो? हाँ पंजे वाला। कितनी सारी पिगी बैंक है? पंजे वाला चाहिए। ये
ये वाला ये देखो ना, ये अच्छा लग रहा है। इसे डलना कहाँ से माल? माल यहाँ से आएगा यार। हमारा भी ले लिया करो भाई, मास्क तो उतार ले यार, फायदा तो अभी है। हल्का सा नीचे कर, फेस दिखेगा ना तेरा। हाँ कौन सी सही है? एक तो ये आता है। हाँ। ये देखो ना, फेंक भी दिया भाई ने। ये सही है, क्वालिटी में नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा ये तो सभी के पास होता है, ये कुछ अलग हो गया ना। हमेशा क्वालिटी वाली चीज लेनी चाहिए, क्वांटिटी में मजा। ये गिर के टूट जाएगा, ये टूट नहीं रहा। अगर टूट जाता ना तो अभी बिल देना पड़ जाता। कुछ नहीं होगा, एक ही लेने के पैसे थे आपके पास। हल्का हाथ इसे तो बना इसमें भाई। जिस स्पीड से मैं अंदर गया था इस सर्विस सेंटर में एप्पल की, उसी स्पीड से वापस आया, तो वहाँ की भीड़ बिल्कुल पसंद थी। और एमडी सर को यही समझ नहीं आया कि मैं बाहर क्यों आ गया। मतलब आप लोगों को नहीं बता रहा था कि मैं अंदर गया और बाहर आ गया। पता क्यों आया हम बाहर? क्यों? वहाँ पैसे लगते ना हमारे। मैं पैसे की बात नहीं थी, भीड़ इतनी थी वहाँ, कौन रखता है इतनी देर वेट नहीं करता मैं किसी की। अभी मैं जा रहा हूँ फोन के द्वारा प्राइजेस वगैरह पता करने के, और ये पूछने के लिए क्या जो मुझे फोन लेना है उसका पीस अवेलेबल है या नहीं। शॉप बाहर से दिखाऊंगा, अंदर से नहीं, तो फिर आप लोग समझ जाओगे कि मैं कौन सा वाला फोन लेने वाला हूँ। यू एम डी डर। मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, वो भी आप जैसे को। गोलगप्पे खा लो। क्या हो गया, खाओगे? भूख के नंगे चलो। बोल दिया है तो बोल दिया। पहले मुझे फोन देखने दो भाई। एक शॉप से मैंने फोन देख लिया है, वहाँ का रेट मुझे थोड़ा जमा नहीं है, मैं दूसरी शॉप पे जाऊंगा। लेकिन उससे पहले एमडी सर की जो एक्टिव बाइक की स्पीड बड़ी तगड़ी है। लेफ्ट लेफ्ट, ये सी टॉप स्पीड है, है? ये टॉप है। टॉप अभी कहाँ आती है, भीड़ भीड़ में चलते हुए जाऊंगे लोगों को। तो ये तो चलेगी नहीं इस चौपर। वो एम्बुलेंस सारी साइड हो, साइड हो, साइड हो, गिव वे टू एम्बुलेंस। यस जाओ भाई, चलो गई गई एम्बुलेंस।